नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टाल पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किया जानते हैं सभी बड़ी खबरें। फरीदाबाद में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, एक दूसरे से सीख और प्रेरणा ले राज्य। एप्पल वॉल स्ट्रीट का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ, सितंबर तिमाही में 90 अरब डॉलर पर पहुंचा राजस्व। केजरीवाल ने नोट पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर को लेकर पीएम को भेजा पत्र, कहा पूरे देश की यही इच्छा। इमरान खान ने किया आजादी मार्च का ऐलान, समर्थकों ने इलाहाबाद के लिए किया कूच। वुहान में 3 साल बाद फिर लॉकडाउन, एक हफ्ते में मिले कई नए कोरोना के केस। 1000 से ज्यादा केसों की गलतियों को ठीक करने का आखिरी मौका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 4 सप्ताह का समय। भारत पाकिस्तान सीमा पर 3 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद, BSF को जीरो लाइन के पास मिला जखीरा। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला बारिश के कारण रद्द, मेलबर्न में नहीं हुआ टॉस। वृंदावन में एक आश्रम के समीप 2 महिलाओं के शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। वहीं T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान से लिया डुप्लीकेट मिस्टर बीन का बदला, राष्ट्रपति बोले अगली बार असली भेजना। वाकांडा की लड़ाई में शामिल हुआ नया योद्धा, ब्लैक पैंथर में नजर आएंगे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। ट्विटर की कमान संभालने के 1 घंटे बाद एलन मस्क ने किया ट्वीट, लिखा अब चिड़िया आजाद। बड़ी सफलता, 28,000 फर्जी मोबाइल नंबर की हुई पहचान, साइबर चोर लोगों को लगा रहे थे फोन करके चूना। मुंबई जीआरपी का ट्विटर हैंडल हुआ हैक, हैकर ने एलन मस्क के ट्वीट को किया रीट्वीट। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अरबी स्कूलों में सरकार की गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अरबी स्कूलों में सरकार की गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। अंडमान में पूर्व मुख्य सचिव SIT के समक्ष पेश, सामूहिक दुष्कर्म केस में हो रही पूछताछ। तेलंगाना में राहुल गांधी का BJP TRS पर हमला, बोले दोनों पार्टियां लोकतंत्र के खिलाफ और पैसे की राजनीति में लिप्त। बुलाया नहीं जा सकता 26/11 का हमला, जयशंकर बोले आतंक के खिलाफ काम अभी अधूरा। आप और कांग्रेस ने की गुजरात में ताल ठोकने की तैयारी, केजरीवाल मान के अलावा गहलोत दिखाएंगे दम। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। आसनसोल में लगे शत्रुघ्न सिन्हा के लापता के पोस्टर, BJP का तंज, बिहारी बाबू छठ पर भी गाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौलाना आजाद और अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, बोले आने वाले दिन राष्ट्रीय हित में हो। PFI के पूर्व सचिव व CA रऊफ गिरफ्तार, NIA ने केरल में की कार्रवाई। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सिंधे खेमे में पनप रहा असंतोष, विधायक ने मंत्री पर लगाया गंभीर आरोप। कर्नाटक T20 वर्ल्ड कप में सट्टेबाजी करने वाले 18 लोग गिरफ्तार, 4.68 लाख रुपए और 17 मोबाइल फोन भी बरामद। छठ के लिए महाराष्ट्र से चलेगी 256 ट्रेनें, 30 से 50 रुपए का किया प्लेटफॉर्म टिकट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में जारी, नारायणपेट जिले में आगे बढ़ी। तिरुमला में मुंडन कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, भक्तों से पैसा लेने पर विवाद।
पाकिस्तान का झंडा फहराने पर आरोपी गिरफ्तार, पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। YouTube ने कहा लोकसभा चुनाव के लिए स्पष्ट नीति, गलत सूचनाएं जल्द हटाएंगे। 20 साल बाद GM सरसों को परीक्षण की मंजूरी, वैज्ञानिकों का दावा 10% इस्तेमाल से 323 करोड़ का लाभ। किरेन रिजिजू ने गिनाई पहले प्रधानमंत्री नेहरू की 5 बड़ी गलतियां, कहा पीएम मोदी ने सुधारी। विपक्षी एकता पर ममता नवीन का मन टटोलेंगे नीतीश, बंगाल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मिलेंगे। सर्वे में दावा, भारत में वास्तविक वेतन अगले साल सबसे ज्यादा बढ़ेगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 1.3% बढ़ेगा। महाराष्ट्र ने एक और बड़ी परियोजना गंवा दी, आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार की खिंचाई की। द्रमुक नेता सादिक ने भाजपा की महिला नेताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, सांसद कानी मोझी ने मांगी माफी। प्रधानमंत्री संग्रहालय में पीएम मोदी पर जल्द होगी एक गैलरी, 2023 में लोगों के लिए खोला जाएगा। केंद्र से धार्मिक संस्थाओं के लिए एक सम्मान, केंद्रीय कानून की संभावना का पता लगाने का केरल हाईकोर्ट ने किया अनुरोध। मेटा ने इंटरनेट सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की सराहना की, कहा डिजिटल सेवाओं को मिला व्यवहारिक बढ़ावा। मरीज को मौसम्बी का जूस चढ़ाने का मामला, ग्लोबल हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। जहरीली धुंध के साए में दिल्ली, बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा, यमुना में बह रही विषाक्त झाग। हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने याचिका दे MCD परिसीमन को दी चुनौती। उत्तराखंड में प्रवासियों ने किया गांव आकर इगास मनाने का आह्वान, प्रदेश अध्यक्ष ने साझा किया पार्टी का प्लान। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को मनाने में कामयाब हुई भाजपा, वापस लेंगे नामांकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्योक सेतु समेत 75 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में विस्फोटक जखीरा मिलने के बाद अलर्ट, जम्मू रेलवे स्टेशन पर चलाया तलाशी अभियान, 2004 में भी हुआ था हमला। पंजाब में स्पेशल कैडर में फंसा आरक्षण का पेंच, कच्चे मुलाजिमों के लिए नहीं लागू किया नियम। सफाई कर्मचारियों और सरकार की बैठक बेनतीजा, पदाधिकारी बोले औपचारिक रूप से चंडीगढ़ में हो मीटिंग। रेवाड़ी में हुई 5 करोड़ की लूट का आरोपी गिरफ्तार, रोहतक STF ने मध्य प्रदेश से धर दबोचा। CM गहलोत का अफसरों को संदेश, जनता की सेवा में ना नुकुर किया तो विदाई तय। बिहार उपचुनाव, नीतीश कुमार नहीं होंगे प्रचार अभियान में शामिल, तेजस्वी की आज गोपालगंज में रैली। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस ने की रायपुर में बड़ी बैठक, पूनिया और CM बघेल ने पदाधिकारियों संग बनाई रणनीति। लाभ के पद मामले में राज्यपाल ने मांगी एक और राय, कहा झारखंड में कभी भी फट सकता है एटम बम। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।